हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले बीटेक के जो सेकंड ईयर होता है उसके कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, जो थर्ड सेम और फोर्थ सेम होता है उसमें। फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी डाले हुए, वो आपको चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि थर्ड और फोर्थ ईयर के भी मैं डालने वाला हूँ। चलिए देखते हैं कि सेकंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले थर्ड सेम में देखते हैं कि सबसे पहला होता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डीएम जिसे हम कहते हैं। उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, ये सब्जेक्ट होता है। उसके बाद ऊप्स होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसके बाद कंप्यूटर ग्राफिक्स भी होता है। और उसके बाद डीएलडीएम जिसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल लॉजिक डिजाइन भी कहते हैं। उसके बाद है फोर्थ सेम। फोर्थ सेम में आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 जिसे हम EM3 भी कहते हैं, वो होता है। उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर एंड अल्गोरिदम है। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर जो कि डिजिटल लॉजिक का एडवांस पार्ट होता है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। ये जो सब्जेक्ट बताए ये पुणे यूनिवर्सिटी के हैं, आपकी यूनिवर्सिटी के कुछ अलग भी हो सकते हैं, तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो।